हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल मम्मी स्पेशल फूड। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं तरी वाला मटन। तो इसके लिए हमने लिया है मटन, प्याज, टोमेटो प्यूरी, जिंजर एंड गार्लिक, मिर्चें, कुछ खड़े मसाले और दही। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम दोस्तों मटन को मैरिनेट करने के लिए इसमें डालेंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और दही। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने अच्छी तरह मसालों को मटन में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। और इसे अच्छी तरह पकाएंगे दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे खड़े मसाले। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन, दोस्तों हमने लहसुन पूरा लिया है, हमने इसको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, हमने प्याजों को कलर चेंज होने तक पकाना है दोस्तों, इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याजों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम मटन। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। पांच मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्च और टोमेटो प्यूरी। अब इसे हम 20 मिनट के लिए स्लो गैस पे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। दोस्तों, इसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के फिर से पकाएंगे दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे मीट मसाला।
और धनिया, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों हमारा मीट अच्छी तरह से गल गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। दोस्तों आपने ये याद रखना है, आपने गर्म पानी ऐड करना है इसमें। दोस्तों अब हम इसे ढक देंगे और इसे 4 से 5 विसल बजने तक पकाएंगे। दोस्तों अब हमने गैस को बंद कर दिया है, अब हम अपना कुकर को खोलेंगे तो देखते हैं कैसा बनाया हमारा मटन। दोस्तों दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों हमारा मटन बनके रेडी है, चलिए देखते हैं ये कैसा बना है। की रेसिपी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।